हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। नई सदी की शुरुआत ही हुई थी, बॉलीवुड में एक ऐसे हास्य कलाकार की एंट्री हुई जिसकी अदाकारी ने एक से एक धुरंधरों के पसीने छुड़ा डाले। नाम था राजपाल यादव। 5 फुट 2 इंच का वो एक्टर जो गुंडा बनकर सामने आया तो सर्वश्रेष्ठ खलनायक का अवार्ड ले जाता। कॉमेडियन बनकर फिल्म में आता तो हीरो पर ही भारी पड़ जाता। गंभीर किरदार मिलता तो ऐसी एक्टिंग करता कि आंखें भीग जाती। वो कॉमेडियन जिसकी तुलना पुराने जमाने के बड़े बड़े हास्य कलाकारों से होने लगी थी, जिसको फिल्म मेकर इसलिए लिया करते कि फिल्म कहीं डगमगाई तो ये कलाकार संभाल लेगा। एकलौता कॉमेडियन जिसके फिल्म में होने से बड़े बड़े लीड हीरो इतना घबराया करते कि उसके सीन्स पर कैंची चलवा देते ताकि हीरो की अहमियत कम न हो जाए। मगर क्या आपको पता है कि इतना मशहूर कॉमेडियन कैसे बर्बाद हो गया? कैसे राजपाल यादव का एक गलत फैसला उनको ऐसे ले डूबा कि उनका नाम ही बदनाम हो गया? चलिए हम आपको राजपाल यादव के फिल्मों में आने से लेकर उस गलती के बारे में बताते हैं जिसने उनको तबाह कर डाला। 16 मार्च 1971 को यूपी के शाहजहांपुर में पैदा हुआ एक लड़का जो हाई स्कूल पास कर दर्जी बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, वो बॉलीवुड में कॉमेडियन राजपाल यादव के नाम से कैसे मशहूर हो गया? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। असल में राजपाल यादव का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा करता। हाँ, गांव के बाहर दूर कहीं रामलीला या नौटंकी हो रही होती तो वहां जरूर पहुंच जाते। पिता चाहते थे कि पढ़ लिख कर बेटा डॉक्टर बन जाए। हाई स्कूल की लैब में मेढक पर चीरा लगाने की बारी आई तो होश उड़ गए। समझ गए कि डॉक्टरी तो मेरे बस की बात नहीं, बस हाई स्कूल पास कर सेना पुलिस पीएससी में भर्ती होने के लिए लाइन लगाने लगे। मगर 5 फुट 2 इंच लंबा लड़का देखकर सब भगा देते। खैर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की भर्ती आई तो वहां राजपाल यादव का सिलेक्शन हो गया। टेलर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे मगर गांव के बाहर रामलीला हो या नाटक पैदल ही निकल पड़ते। एक दिन वापस लौट रहे थे कि गांव के ही एक शख्स ने राह दिखाई, बोला थिएटर ज्वाइन करो, यहां कुछ नहीं होगा। बस राजपाल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया और वहां से नई राहें खुल गईं। वहां पता लगा कि आगे बढ़ना है, एक्टिंग सीखनी है तो लखनऊ जाओ। वहां भारतेंदु नाट्य अकादमी में मौका मिल गया तो किस्मत बदल जाएगी। बीएनए में प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, 1992 में राजपाल लखनऊ आ गए और अपने हुनर के दम पर भारतेंदु में एडमिशन भी पा लिया। 1994 तक 2 साल अदाकारी सीखी, फिर एक बड़ा सपना देखा, नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश पाने का। एनएसडी में प्रवेश तो सपना ही था मगर खुली आंखों से देखा ख्वाब भी राजपाल के हुनर के आगे सच हो गया। 1994 में कठिन इंटरव्यू पास कर एक सीट अपने नाम कर ली। सीनियर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, खूब रैगिंग किया करते। 1997 में एनएसडी से एक्टिंग के महारथी बनकर निकले तो साल भर में ही दूरदर्शन से बुलावा आ गया। शो था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। कॉमेडियन के रूप में पहचान मिली लेकिन मन बॉलीवुड में था। किस्मत साथ दे रही थी, बॉलीवुड में ब्रेक मिलते देर न लगी। 1999 में 3 फिल्में आईं, मस्त, दिल क्या करे और शूल। किसी में चपरासी, किसी में कुली तो किसी फिल्म में चौकीदार। ये रोल कब आए कब निकल गए पता ही नहीं चला। वहीं राजपाल को पता ही ना था कि अब जो फिल्म मिलने जा रही थी वो पूरा नसीब पलटने वाली थी। 1999 के ही आसपास की बात है, मशहूर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा फरदीन खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। मुख्य विलेन सुशांत सिंह बनाए गए। उनके लिए गुर्गों की तलाश हो रही थी। राजपाल उनके पास पहुंचे तो न जाने रामगोपाल को नाटे दुबले पतले कॉमेडियन में क्या दिखा।
सुशांत के गुर्गे का रोल दे दिया। साल 2000 में फिल्म आई जंगल, डाकू दुर्गा नारायण बने सुशांत के गुर्गे सिप्पा के किरदार में राजपाल यादव। ऐसी शानदार दमदार एक्टिंग, बॉलीवुड में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि किसी गुंडे के गुर्गे को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला हो। इतना ही नहीं, राजपाल का नाम तो उस साल सर्वश्रेष्ठ एक्टर की नॉमिनेशन लिस्ट तक में आ गया था। मगर कदकाठी थी नहीं तो समझ गए कि हास्य कलाकार बने रहने में ही भलाई है। कभी चांदनी बार में इकबाल चमड़ी बनकर नजर आए तो कभी ये जिंदगी का सफर में बापू। 2001 के बाद खूब फिल्में मिलनी भी शुरू हो गईं, एक से एक भूमिकाएं निभाई। हंगामा में राजा बनकर हंसाया, मुझसे शादी करोगी का पुरोहित भला कौन भूलेगा, टार्जन द वंडर कार का हवलदार सीताराम, क्या कूल हैं हम का उमा शंकर त्रिपाठी, मैंने प्यार क्यों किया का थापा, गरम मसाला का बब्बन, फिर हेरा फेरी का पप्पू, भागम भाग का गुलाब सिंह, या फिर भूल भुलैया का छोटे पंडित का शानदार रोल। बॉलीवुड में राजपाल यादव एक ब्रांड बन गया। बड़े बड़े हीरो के साथ फिल्में ऑफर होने लगी। नामी गिरामी फिल्म मेकर अपनी फिल्म में छोटा बड़ा रोल जरूर दिया करते। 2002 के बाद कोई साल ऐसा ना गया जब इनकी 10 या 15 फिल्में ना आती हों। हिंदी फिल्मों में जॉनी लिवर जैसे बड़े कॉमेडियन तक को राजपाल यादव ने पछाड़ दिया। राजपाल न सिर्फ हंसा रहे थे बल्कि रोला भी रहे थे। जी हाँ, मैं मेरी पत्नी और वो में लाइब्रेरियन मिथिलेश शुक्ला का किरदार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म में अंतरा माली के पति राजा का रोल जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू छलक आए। इस कलाकार का करियर बहुत अच्छा चल रहा था मगर फिर अचानक एक दिन राजपाल यादव की बदकिस्मती ने दस्तक दे दी। उनसे ऐसा फैसला हो गया जिसने इनको कहीं का ना छोड़ा और बॉलीवुड से लेकर अपने फैंस के आगे पूरा नाम डूब गया और राजपाल बर्बाद हो गए। राजपाल यादव को उसी चीज ने बर्बाद कर दिया जिसने कभी राजेंद्र नाथ से लेकर भगवान दादा जैसे पुराने बॉलीवुड कलाकारों को तबाह किया था, चादर से ज्यादा पैर फैलाने का सपना। साल 2010 की बात है, बड़ी बुलंदी पर करियर चल रहा था तो कॉमेडियन ने सोचा कि अब खुद ही फिल्म बनाकर नोट छापे जाए। नौरंग गोदावरी लिमिटेड कंपनी बनाई और प्रोड्यूसर बन गए और बड़े बड़े कलाकारों को साथ लेकर करोड़ों के बजट में फिल्म शुरू कर दी। अपनी कमाई झोंक दी, अनुभव की कमी थी तो बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। पैसे का जुगाड़ करने की बारी आई तो बैंक के अलावा दिल्ली का एक करोड़पति व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल को भी पकड़ा, उनसे 5 करोड़ रुपए भी उधार ले डाले, 8 करोड़ लौटाने का लिखित वादा भी कर दिया। जैसे तैसे कर्जे में डूबकर फिल्म तो बना ली लेकिन रिलीज से पहले ही व्यापारी से विवाद हो गया और रिलीजिंग में देर हो गई। खैर, फिल्म जाकर 2012 में रिलीज हो गई। लगा अब सब ठीक हो जाएगा मगर पहली बार राजपाल यादव की किस्मत ने धोखा दे दिया। करोड़ों में बनी फिल्म लाखों कमाने के लायक भी नहीं थी। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और राजपाल का सारा पैसा डूब गया। खुद के साथ जो लोगों से कर्ज में करोड़ों लिए थे वो भी डूब गए। राजपाल ने जो कर्ज चुकाने के लिए करोड़ों के चेक दिए थे वो बाउंस होने शुरू हो गए। पैसा न मिलता देख व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल ने धोखाधड़ी का केस कर दिया। दिल्ली की कोर्ट ने राजपाल यादव को जेल भेज दिया। 2-4 दिन नहीं, 3 महीने तक वो जेल में बंद रहे। फिर बाहर निकले तो भी कर्जे की रकम न चुका सके। कोर्ट ने उनको 14 करोड़ चुकाने का आदेश दे दिया। मगर इसी दौरान पता लगा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 3 करोड़ का लोन लिया था, इसको भी वो नहीं भर पाए। सालों बाद ये लोन 11 करोड़ का हो गया। बैंक वालों को पैसा नहीं मिला तो उन लोगों ने इनके पिता का शाहजहांपुर का घर ही सील कर डाला, क्योंकि वो घर ही कर्ज की गारंटी था। वहीं जेल जाने की बात पर पूरे बॉलीवुड में उनकी ऐसी बदनामी हो गई कि फिल्म मेकर्स भी उनसे किनारा करने लग गए।
फिल्मों के ऑफर कम हो गए और जिस कॉमेडियन का किसी दौर में सिक्का चला करता था वो चादर से ज्यादा पैर फैलाने के चक्कर में देखते देखते ही डूब गया। वैसे इन दिनों भी राजपाल कभी कभी फिल्मों में नजर आते हैं, मगर अब उनको वैसे किरदार ही ऑफर नहीं होते, क्योंकि करोड़ों के कर्ज में डूबे इंसान पर कौन दांव लगाना चाहता है। दोस्तों, आपको राजपाल यादव की एक्टिंग कैसी लगा करती थी? क्या आपने उनकी कोई फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।